चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं हापुड़ की तस्वीरें। हापुड़ के पॉश एरिया गोल मार्केट में गांधी क्रॉकरी में भयंकर आग लगी है। देखते ही देखते ये आग पड़ोस की दूसरी दुकान में फैल गई। ये तस्वीरें देखिए हापुड़ की, जहां कितनी भयंकर आग लगी। हापुड़ के ये पॉश एरिया गोल मार्केट की तस्वीरें हैं, जहां गांधी क्रॉकरी में ये भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते आग आसपास की दुकानों तक फैल गई। जैसे ही आग की सूचना मिली, लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, आसपास की दुकानों तक भी ये आग फैल गई। सिर्फ हापुड़ में ही नहीं, बल्कि कानपुर और नोएडा में भी आग का कहर देखने को मिला। कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल दस्ते ने इस आग पर काबू पाया। यही नहीं, नोएडा के सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में भी आग से हड़कंप मच गया। इसके दूसरे माले पर ये आग लगी। तीन तस्वीरें आग। उधर लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद प्रयागराज में एक्शन देखने को मिला है। यहां अग्निशमन विभाग और प्रशासन की कार्रवाई हुई है। प्रयागराज के 50 से ज्यादा होटल्स और गेस्ट हाउस को नोटिस जारी किया गया है। इन होटल्स और गेस्ट हाउस में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन न करने का आरोप है। नोटिस जारी कर अब होटल्स और गेस्ट हाउस के मालिकों से जवाब मांगा गया है। नोटिस का जवाब न मिलने पर इन पर सख्त कार्रवाई होगी। जब ये ड्रिल चलाया गया तो कई खामियां पाई गई थी होटल्स में, लेकिन एक बार फिर से सख्त निर्देश और एक्शन अब प्रशासन की ओर से होता दिखेगा। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा टला है। यहां एक ढाबे पर सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट होने लगा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ढाबे पे सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो अब सामने आया है। तस्वीरें, हादसे का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा पाना सिलेंडर आता हुआ कितना आसान है, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सिलेंडर फटने के बाद पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग को बुझा लिया। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा टला है। यहाँ एक ढाबे में सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हो गया। आप देख सकते हैं आसपास कितने लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक दुकान, अफरा तफरी मच गई। जैसे ही सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, कई सिलेंडर वहाँ रखे थे, एक सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसके बाद इन सिलेंडर्स को वहां से हटाया गया। हालांकि सिलेंडर फटने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंची और आग को बुझा लिया गया। एक बड़ी खबर, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेर बदल हुआ है, जहां एक बार फिर से आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अब 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। शफीक अहमद, राजेश श्रीवास्तव का तबादला हुआ है। इससे पहले आईएएस अफसरों के तबादले हुए और अब आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें शफीक अहमद, राजेश श्रीवास्तव का तबादला हुआ है। साथ ही अनीश अहमद अंसारी, राजकमल यादव का भी तबादला किया गया है। सुभाष चंद्र शाक्य, अनूप कुमार सिंह का तबादला हो चुका है। शैलेश कुमार यादव, राधेश्याम का तबादला भी हुआ है। और इस सूची में सुरेंद्र बहादुर, निजाम हसन का नाम भी शामिल है। पूजा यादव, एसपी रेलवे लखनऊ का भी तबादला हो गया है। तो ये कुल 11 आईपीएस अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं। यूपी में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इससे पहले आईएएस अफसरों के तबादले हुए, विभागों में परिवर्तन किया गया और अब 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी हुए। और हमारे संवाददाता विवेक ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। विवेक, किस तरह से इन तबादलों को देखा जाए, कौन से महत्वपूर्ण नाम इसमें? देखिए अनु, महत्वपूर्ण नाम अगर वाकई में हम सोचें तो इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी ऑफिसर जितने भी आईपीएस हैं वो सभी डीजीपी ऑफिस यानी पुलिस मुख्यालय से संबद्ध थे या वहां पर तैनात थे और शंटिंग पे चल रहे थे, साइड लाइन पे चल रहे थे, और उनको साइड लाइन ही रखा गया है। सिर्फ दो तीन ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जिनको पोस्टिंग दी गई है, हालांकि बहुत प्रमुख पोस्टिंग वो भी नहीं मानी जाएगी। जैसे सुभाष चंद्र शाक्य, जो यहाँ पर डीसीपी ट्रैफिक थे लखनऊ कमिश्नरेट में, उनको जब ट्रैफिक को लेकर बवाल हुआ और कमिश्नर तक का तबादला हुआ, हटाए गए डीके ठाकुर, उसके बाद उनको पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया था, उनको अब एसआईटी भेज दिया गया है। उसी तरह से एक जो पोस्टिंग है पूजा यादव की, पुलिस मुख्यालय से संबद्ध थी, पूजा यादव आईपीएस अफसर हैं, उनको लखनऊ में ही एसपी रेलवे के पद पर तैनाती दी है। सिर्फ यही एक ऐसी तैनाती है
जो इन पूरे 11 अफसरों में एक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जा सकती है। यही एक ऐसी तरह की पार्टी, किसी को मानवाधिकार भेजा गया है, किसी को सीतापुर पीटीसी भेजा गया है, किसी को ट्रेनिंग भेजा गया है, किसी को जो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है वहां भेजा गया है, यानी जो साइड में अफसर तैनात थे वो साइड में ही है, बहुत प्रमुख पोस्टिंग किसी को नहीं मिली है। लेकिन ये समीकरण बताते हैं कि डीजीपी मुख्यालय में जो डीजीपी हैं वो अपने हिसाब से सारे अफसरों को एक जैसे शतरंज की बिसात होती है, अब चूंकि उनको जिला देखना है, लखनऊ भी देखना है, कमिश्नरेट भी देखना है और पूरा उत्तर प्रदेश देखना है, तो वो अफसरों को, अपने अफसरों को जो उनके करीबी है, विश्वास पात्र है, और हर लीडर ऐसा करता है, वो अपनी अपनी ठीक है उधर उनकी पोस्टिंग की गई है। बिल्कुल विवेक, और ये सूची भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और अब बात वाराणसी की, जहां गोदोलिया में एक निर्माणाधीन इमारत का छज्जा गिर गया। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई। केसीएम सिनेमा के पास ये निर्माणाधीन छज्जा है जिसके गिरने से ये हादसा हुआ है। रात के वक्त आसपास अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। गोदोलिया में ये एक निर्माणाधीन इमारत है जिसका छज्जा गिर गया और इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। केसीएम सिनेमा के पास ये निर्माणाधीन छज्जा था जिसके गिरने से यह हादसा हुआ, एक युवती की जान चली गई। काफी चहल पहल वाला ये इलाका है और यहाँ ये हादसा हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में योगी सरकार बड़ा दाव चलने वाली है और आरक्षण की आस में दशकों से मझधार में फंसी 17 अति पिछड़ी जातियों पर राजधानी में बड़ी तैयारी चल रही है। खबर है कि कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार बहुत जल्द ही केंद्र सरकार को ड्राफ्ट भेजने वाली है जिसे लेकर तैयारियां चल रही है। समाज कल्याण विभाग और निषाद पार्टी राज्य सरकार की तरफ से ये ड्राफ्ट केंद्र को भेज सकती है। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि ये दाव सफल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मुलायम, मायावती के बाद अखिलेश यादव भी इन 17 जातियों पर दाव लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार कोर्ट या फिर केंद्र सरकार के चलते ये सब मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब 2024 चुनाव से पहले केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार इन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करवा सकती है, जिनका यूपी में तकरीबन 13% वोट माना जाता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने हाल ही में 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी कोटे में शामिल करने संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया था, लेकिन अब सरकार केंद्र से प्रस्ताव पास कराकर नई तैयारी में जुट गई है। इस मसले को लेकर सीएम योगी से मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बात भी की। संभव है कि मॉनसून सत्र में विधानसभा के दोनों सदनों से प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी भी है। वहीं इस मामले पर यूपी में सियासत भी गर्म है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बताया है कि बहुत जल्द ही ड्राफ्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। एबीपी गंगा ने संजय निषाद से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया आप भी सुनिए। जी, मुलाकात की आपने समाज कल्याण मंत्री से भी, किस तरह की रणनीति बनाई है, क्योंकि कोर्ट ने तो झटका दे दिया था। कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने झटका उन्हें दिया जिन्होंने इस समाज को मूर्ख बनाते रहे, इस समाज के साथ धोखेबाजी, विश्वासघात करते रहे। अब हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस फैसले से साबित कर दिया कि अब इन जातियों को कोई मूर्ख नहीं बनाएगा। मामला सदन का है, मामला केंद्र का, केंद्र सरकार ही तय कर सकती है कौन अनुसूचित है कौन है। मैं तो चाहूँगा कि आपके कैमरामैन से कि इस ये जो अनुसूचित जाति की उत्तर प्रदेश की सूची है इसे देख लें, इसमें आप देखें कि यहाँ 30 नंबर पर धोबी है, उससे पहले चमार है, यहाँ जो है 51 नंबर पर मझवार है। तो ये जो लेदरमैन वाशरमैन को मिल रहा है तो फिशरमैन मझवार उसे मिलना चाहिए। इस मझवार के लिए, इसके लिए राष्ट्रपति ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर रखा है 1961 में, 1961 का, कि ये जातियाँ राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित है कि ये एक सूची दिया है कि ये अनुसूचित जाति की सूची है, सिनोम एंड जेनरिक नेम है, इसमें ये है अनुसूचित जात की, शेड्यूल्ड कास्ट की सूची है, ये है जेनरिक, मतलब जेनरिक शेड्यूल्ड, मतलब सिन्नो मतलब होता पर्यायवाची और जेनरिक मतलब होता। देखिए ये है, देखिए आपके 24 नंबर पर चमार भाई हैं, इतनी उनकी पर्यायवाची जाति है, उनको मिलता मोची को। यहाँ देखिए 30 नंबर पर धोबी है, इनकी पर्यायवाची जाति है रजक बरेठा को मिलता है। इसी में देखो 51 नंबर पर मझवार है आपके, और मझवार की पर्यायवाची केवट मल्ला सीधे स्पष्ट लिखा है, और इसके लिए लिख रखा है कि भाई ये जातियाँ किन किन जिलों से उत्पन्न होकर प्रदेश में फैली हैं।
वहीं इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा के पूर्व एमएलसी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा है कि भाजपा सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। शामिल नहीं किया था, परिभाषित किया था, ये शासनादेश है माननीय अखिलेश यादव जी का, देख लीजिए अनुभव, ये लिखा है परिभाषित किया था 6 जातियों में, गोंड, बेलदार और मझवार और तुरैहा में, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इसको परिभाषित करके बाकायदा लागू कर दिया था और इसको कोर्ट में इन्होंने 5 साल फंसाए रखा, 5 साल में जवाब नहीं दाखिल करने गए, और जवाब दाखिल करने गए तो ये कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद विड्रा किया है, खुद वापस जैसा स्टैंड ही नहीं किया, इस शासनादेश के पक्ष में सरकार ने स्टैंड नहीं किया, इस वजह से देखना होगा कि प्रदेश सरकार की कोशिश कब तक रंग लाती है, कितना रंग लाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको दे दें, मेरठ में नकली कॉस्मेटिक फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। ड्रग विभाग ने ये नकली कॉस्मेटिक फैक्ट्री पकड़ी है जिसमें नकली कॉस्मेटिक बनाने का काम चल रहा था, कई ब्रांडेड कंपनियों का यहाँ सामान बनाया जा रहा था। 50 लाख रुपए कीमत का नकली कॉस्मेटिक सील किया गया है, इसमें हेयर रिमूवर पाउडर और साबुन बरामद किए गए हैं। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के समर कॉलोनी में ये फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। फैक्ट्री चल रही है कॉस्मेटिक्स की समर कॉलोनी के अंदर, तो आज जो है पुलिस बल थाना ब्रह्मपुरी के साथ जो है एक जॉइंट रेड की गई, जिसमें वहां पे जो है हमें हेयर रिमूविंग पाउडर और हेयर रिमूविंग सोप वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा तादाद में जो है हमें बरामद हुई, वहाँ पे कच्चा माल भी हमें बरामद हुआ, पैकिंग मटेरियल्स भी बरामद हुए। तो चंदौली में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये शख्स इस अवैध शराब को हरियाणा से बिहार ले जाने की फिराक में था। इस शराब की कीमत लगभग 65 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रदेश में अवैध शराब के ऊपर जो अभियान चल रहा है उसके क्रम में जनपद चंदौली में स्वाट टीम द्वारा और थाना चंदौली द्वारा एक शराब की जो अवैध शराब की गाड़ी है उसको पकड़ा गया है, जिसमें एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है। ये शराब हरियाणा से स्मगल होकर बिहार की तरफ जा रही थी, इसमें लगभग 365 पेटियाँ शराब की पकड़ी गई हैं, जिसमें कुल लगभग 3,229 लीटर अंग्रेजी हरियाणा में लिकर है। और अब बात अवैध कब्जों पर हो रही कार्रवाई की। यूपी में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन जारी है। नेता हो या अपराधी या फिर आम आदमी, अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। पूरब से पश्चिम तक बुलडोजर गरज रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। योगी राज में बुलडोजर के पीले पंजे से अवैध कब्जे जमींदोज हो रहे हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में भू माफिया और कब्जाखोरों का बचना नामुमकिन। सबसे पहले देखिए बरेली की तस्वीर। यहां नेशनल हाईवे 24 पर बने अवैध ढाबे और होटलों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। ये सभी निर्माण ग्रीन बेल्ट पर किए गए, जिस वजह से आए दिन हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे थे। खबर है कि इन होटलों में अवैध धंधे भी संचालित किए जा रहे थे। यही वजह है कि सरकारी जमीन पर बनाए गए सभी अवैध निर्माण को प्रशासन ने ढा दिया। पीडीए ने बड़े बाईपास पर बने एक दर्जन होटलों को जमींदोज कर दिया है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एनएच पर जो ग्रीन बेल्ट है बरेली विकास प्राधिकरण की जो प्रवर्तन टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उसमें जितने भी अवैध ढाबे ग्रीन बेल्ट में बने हुए थे और जितना भी वहां पर निर्माण था उसको एक विस्तृत कार्रवाई के तहत हटा दिया गया है। प्रशासन की सख्ती की दूसरी तस्वीर मेरठ से आई है। यहां नाले पर बने सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने जली कोठी इलाके में बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। अवैध निर्माण की वजह से प्रशासन को नाले की सफाई में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। बुलडोजर का पीला पंजा एटा में भी चला, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा।
शहर के व्यापारी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वो अवैध। तो छोटी छोटे जो व्यापारियों ने फोल्डिंग लगवा लिए हैं, जो मीटिंगों में से हुए फोल्डिंग लगवा लीजिए, जो जब चाहे तब भरी हो जाते हैं और अपनी जगह वो हो जाते हैं, वो केवल अपने हमारे धूप और बारिश की वजह से व्यापारी बचा रहे हैं, इसलिए लगवाए गए थे। और प्रशासन द्वारा जो वो तोड़े गए हैं, अभी सत्कार होटल का भी तोड़ा गया है और भी लोगों को तोड़ा गया है, छोटी छोटी टीम ज़्यादा। जबकि इसके ठीक उलट प्रशासन ने साफ किया कि नियमों का हवाला देते हुए ही कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की ये दोनों कार्रवाई एक ऐलान है कि कोई बाहुबली या माफिया तभी तक होता है जब तक उसे सियासी संरक्षण मिले। जिस दिन उसे संरक्षण मिलना बंद हो जाता है उस दिन से हश्र ऐसा ही होता है। बुलडोजर के पीले पंजे ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। जब ये निर्माण कार्य हो रहे होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही होती हैं, तब विभाग क्या करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में कुत्तों के हमला करने की घटनाएं खत्म नहीं हो रही हैं। लखनऊ गाजियाबाद में मामला सामने आने के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। कुत्तों को पालने वाले बेखौफ होकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। ये तीन तस्वीरें पालतू कुत्तों के खौफ की गवाही देती हैं, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह बने हैं। पालतू कुत्तों को लेकर नियम कानून ताक पर रखे जा रहे हैं और आए दिन डॉगी किसी न किसी को शिकार बना रहे हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। डॉगी की मालकिन को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं। गाजियाबाद के बाद नोएडा से खतरनाक तस्वीर सामने आई है, जहां सेक्टर 75 एपेक्स एथेना सोसाइटी में भी वही हुआ जो गाजियाबाद में हुआ था। इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ जगह का अंतर है, दहशत वही है, लापरवाही भी वैसी है और अंजाम भी खतरनाक। नोएडा में कुछ युवक लिफ्ट के अंदर थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ये डॉग अचानक हमला बोल देगा। वो हमेशा की तरह लिफ्ट में थे, लेकिन अचानक इस पालतू कुत्ते ने हमला बोल दिया और वो दहशत के चलते जमीन पर गिर गया। वहीं गाजियाबाद में डॉगी के अटैक की दूसरी वारदात सामने आई। 12 साल के इस मासूम को पालतू कुत्ते ने जख्म दिए हैं। इस मासूम पर अचानक पालतू कुत्ते ने हमला बोल दिया, बच्चे के हाथ और कान को काट लिया। मेरे कान पे निशान दिया और मैं बस ले जा रहा था, उन्होंने पीछे से आके हमला कर दिया और किसी ने मुझे बचाने नहीं है। पालतू कुत्ते ने इसको अटैक कर दिया, सारे पे इसको सारे बदन पे काटने के निशान है, कान के पीछे निशान है, सारे चारों तरफ इसको भमोड़ दिया बुरी तरह से। अब इस मासूम के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद नगर निगम से कुत्ते के रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी है। संजीव भाटी नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके बेटे को मनोज गुप्ता नाम के व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने उनको काट लिया, जिससे उनका बेटा चोटिल हो गया है। इसमें तहरीर प्राप्त होते ही तुरंत ही आईपीसी की 289 सेक्शन में हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जो भी आवश्यक की वैधानिक कार्रवाई आगे की हम कर रहे हैं। कई घटनाओं के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ गाजियाबाद नोएडा ही नहीं बल्कि लखनऊ में कुछ वक्त पहले एक पालतू कुत्ते ने अपनी मालकिन को ही मार डाला था, फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करेंगे महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की, जिसमें मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 9 सितंबर को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद है, जहां 20 सितंबर 2021 को फांसी के फंदे पर लटके मिले महंत नरेंद्र गिरी। इनकी घटना के कुछ घंटों बाद ही आनंद गिरी की हरिद्वार में गिरफ्तारी हो गई थी और अब आनंद गिरी पर यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हमारे तरफ से आनंद गिरी जी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपना पक्ष रखा और सीबीआई के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों में लगभग आधा घंटा से ज़्यादा जो है तर्क हुए हैं और उसके बाद जस्टिस संजय सिंह जी ने जो है अपने आदेश को जो है
रिजर्व रखा है और वो 9 तारीख को अपना आदेश जो है सार्वजनिक करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।